सब्जेक्ट है जनरल साइंस, पैडागॉजी ऑफ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के अंतर्गत अपन ये यूनिट 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 2 के जो सेकंड टॉपिक था सामाजिक जो विज्ञान का, विज्ञान के अंतर्गत जो उसके सामुदायिक संसाधन थे वो पढ़ लिया था। सामुदायिक संसाधन के बाद में उसका सामुदायिक विज्ञान क्लब का संगठन क्या है, उस संगठन क्लब के क्या महत्व है और क्या इसकी उपलब्धियाँ हैं, इसके बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें विज्ञान क्लब का संगठन और महत्व के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने चर्चा की थी। आज हम उसके नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, सामान्य विज्ञान क्लब के उद्देश्य। सामान्य विज्ञान क्लब के उद्देश्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन इसके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सामान्य विज्ञान क्लब है उसमें अनेक प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो उन उद्देश्यों को किस प्रकार से अपन वर्गीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार उद्देश्य को अपन पढ़ सकते हैं। जानकारी मिलेगी और उन समस्याओं के बारे में भी अवगत हो सकेंगे। इस प्रकार के
बेरन। विवेचनात्मक चिंतन का प्रेरण, यानी जब छात्र प्रयोग नियोजन करते हैं किसी चीज के प्रयोजन नियोजन का कार्य करते हैं, तो उनकी परिकल्पनाएं हैं, उनकी जो जो उनके माइंड में जो उसके प्रति जो जो आकार बनते हैं, जो परिकल्पनाएं बनती हैं, वो विकसित होने लगती हैं और वो उन्हें पूरा करने का प्रयास भी अच्छे रूप से करते हैं। आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनसे संबंधित जो कार्य खोज दिए जाते हैं उस खोज से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं, निष्कर्ष भी उसके संबंध में निकालने का वो प्रयास।
नेतृत्व करने का विकास करना, यानी छात्र को लीडरशिप कैसे की जाती है, किस प्रकार से समूह का निर्माण ग्रुप में समूह बनते हैं, उस समूह में एक छात्र को एक नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है कि उसके मार्गदर्शन में किस प्रकार से कार्य करवा रहे हैं अपने समूह के सदस्यों से, तो उसको एक अच्छा लीडरशिप बनने का यह मौका भी मिलता है। फिर है छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, पर्यावरण के अध्ययन प्रति पर्यावरणीय अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना छात्रों में पर्यावरण अध्ययन, जो पर्यावरण जो वर्तमान की जो पर्यावरणीय समस्याएं जो क्लब वगैरह आदि विज्ञान क्लब के अंतर्गत आयोजित होते हैं, तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले पर्यावरण को संरक्षण करने के उपाय आदि सभी जानकारियां जब विज्ञान क्लब का आयोजन होगा उस समय अपने को याद होगी, तो छात्रों के अंदर पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी रुचि प्रदान की जाएगी। फिर छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचियों के प्रति रुचि प्रदान करना, वैज्ञानिक अभिरुचियों का विकास